Inclusion learning outcomes for educational quality one major aspect under the social social uh, justice framework is inclusion or inclusion important aspect inclusion in learning outcomes that is the learning outcomes should be equitable if we have if we are to define educational quality under the framework of social justice. अब क्वालिटी इन लर्निंग आउटकम्स का मतलब यह है कि अगर आपने उसमें इक्वालिटी देखनी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेक स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन द लो इनकम कंट्रीज तो लो इनकम कंट्रीज को बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की तरफ लेकर आना है बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट दे कैन एक्चुअली कम एंड यू कैन असेस देयर आउटकम्स इन एट एन इंटरनेशनल लेवल जन्स है थोड़े से लिमिटेशन इनके होते हैं जिसकी हमने पहले भी बात की थी तो हो सकता है कि एक ग्रेड के एंड में जो आप टेस्टिंग के रिजल्ट को कम्पेयर कर रहे हो उसमें बच्चों की एजेस मुख्तलिफ हों इन एनी केस यू हैव दिस पिजा एंड यू हैव दिसम्स जिसकी हमने पहले भी बहुत दफा बात की है ट्रेंड्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस और इसी तरह पिज्जा का भी जो इंटरनेशनल टेस्ट होता है और वो देखता है लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स वो भी इसी का पार्ट है सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इक्वालिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस फिर हमें डेटा को एग्रीगेट करना होता है दैट इज द डेटा फ्रॉम वन कंट्री और विद इन द कंट्री हैजूट बी पुट टूगेदर फॉर कंपेरिजन और फिर उसी डेटा को हम डिसीगेट करना बहुत जरूरी होता है यानी उसको अलग करके देखें कि उसमें कौन से ग्रुप्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इन रिलेशन टू द अदर ग्रुप्स ये बहुत जरूरी है इसी तरह से आपको पता चलता है कि क्या जेंडर इक्वली परफॉर्म कर रहा है क्या एथनिक और माइनॉरिटी ग्रुप्स एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं और लर्निंग आउटकम्स में उन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंक्लूडेड हैं कि नहीं है फिर क्वालिटेटिव रिसर्च इन हालात में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो फिर आपको ये बताती है कि उन स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट को जिनको आप देख रहे हैं किस किस्म के इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स क्या बच्चे लर्न कर रहे हैं हमने ये इसकी अगर आप रेलिवेंस की बात करें तो हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि ये जरूरी नहीं होता कि बच्चों के जो टेस्ट स्कोर्स आ रहे हैं वो आपको बच्चों की लर्निंग के बारे में बताएं क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे रोट लर्न करके एग्जाम्स में मार्क्स तो ले लेंगे लेकिन उनकी लर्निंग कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो एंड दैट इज वेयर यू नीड द क्वालिटेटिव रिसर्च इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्टडिंग कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग यानी आप फिर ये देखते हो कि जेंडर बेस्ड इश्यूज क्या हैं, और कई दफा आप ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि इस सॉर्ट ऑफ कल्चरल एलियनेशन इन स्कूल साइट्स व कल्चरल एलियनेशन जब स्कूल का माहौल तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो आपके घर के माहौल से या उन ट्रेडिशन और नॉर्म्स से जो कि आपके घर में है तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है फॉर इंस्टेंस इफ 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 यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ कार्पोरल पनिशमेंट इन योर स्कूल और आपके घर में आपको ज्यादा जैसे खासतौर पर लड़कों को पैंपर किया जाता है और तो वो बच्चे स्कूल से भागेंगे हमेशा और कभी भी वहां पे नहीं पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द पेन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द इ्जाइटी इट क्रिएट्स अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेस इट क्रिएट्स एक उसका एक कल्चरल एनियनेशन का भी फैक्टर होता है सो दैट मीन्स वेन यू आर स्टडिंग इंक्लूजन इन लर्निंग आउटकम्स इट मीन्स studying barriers to certain aspects of curriculum. aspects of curriculum क्या सब बच्चे पहले आप देखेंगे learning के total जो बच्चे pass हो रहे for instance इंस्टेंस अगर हम मेट्रिक की example le, ले लें आप पहले तो ये देखना चाहोगे ki जी अच्छा बच्चों का metric के results कैसे आ रहे हैं लड़के लड़कियां अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे but बट एक उसका एस्पेक्ट ये भी है कि आप देखें कि क्या वो तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यह लड़के कंसिस्टेंटली मैथ में अच्छा कर रहे हैं और लड़कियां ज्यादा लैंग्वेज में कर रही हैं जो कि एक बहुत बड़ी आ, बड़ा इशू है एट ग्लोबल लेवल और जिसका हमने बारह जिक्र किया है सो बैरियर्स टू सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट इंक्लूजन के जुमरे में आती है और हमें उसे देखना होता है इफ यू आर स्टर्डिंग लुकिंग एट लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल क्वालिटी